In online class, today we are in our sixth class and our subject is mathematics. जिसके अंतर्गत हम अपने chapter first को study कर रहे हैं, जिसका नाम है number system, that means संख्या पद्धति. जिसके अंतर्गत आज इस video class में हम अपने number system chapter के exercise 1.5 को complete solution के साथ देखेंगे बेटा. So video के अंत तक आप बने रहिएगा. आप अपने video को skip करके ना देखा कीजिएगा. Without wasting our time, we have to start our class. जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक. आप अपनी मैथ की बुक को बेटा ओपन कर लीजिएगा. एक्सरसाइज 1.5 में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे अपने क्वेश्चन फर्स्ट को, जिसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ये आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में स्टडी करेंगे, जिसमें बताया जाएगा राइट द इक्विवेलेंट रोमन नंबर्स फॉर द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स. यानी कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं और हिंदू अरेबिक नंबर्स क्या होते हैं, इनको भी हम विस्तार से जानेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे. उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको समझाया जाएगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स. जो हमारे रोमन नंबर्स हैं, उन रोमन नंबर्स को हम अपने हिंदू अरेबिक नंबर्स में कैसे चेंज करते हैं. इसके बाद हम जानेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें कंपेयर द फॉलोइंग के विषय में बताया जाएगा. यानी कि हमें दोनों रोमन नंबर्स में कंपेयर करना है, तुलना करनी है, पता करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. यानी कि मोर देन और लेस देन, ये साइन हमें इसमें फिल करेंगे. यहाँ नीचे क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सिखाया जाएगा कि क्या हम अपने रोमन नंबर्स को, जिन्हें हम जान चुके हैं, उनका सही यूज करना जानते हैं कि नहीं करना जानते हैं. उसी का टेस्ट लेने के लिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जिसमें आपको यहाँ पर लिखे गए जो नंबर का शेड्यूल है उसमें फाइंड आउट करना है कि कहीं इनके सीरियल्स में कोई गलती तो नहीं है. तो ये सब कुछ जानने से पहले हम लोग सीख लेते हैं कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं और हमारे अरेबिक नंबर्स क्या होते हैं, और उनसे संबंधित कुछ हमारे रूल्स होंगे, जिन रूल्स को हमें ध्यान रखे बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. इसीलिए हम उनके रूल्स और एप्लीकेशंस को भी जानने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास रोमन न्यूमेरल्स. इसे हम बेटा सीख लेते हैं, इसकी थ्योरीज को जानेंगे. द रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमेरल्स व्हिच इज स्टिल इन यूज. We can see Roman numerals on the dial of a clock, on the size of clothes, on the numericals of the questions, etc. Type से हम लोग इनको सब देख सकते हैं. इस डेफिनेशन को बेटा हम एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं. प्राचीन समय में हमारे रोमन नंबर्स का जो इस्तेमाल किया जाता था, और उसे हम आज भी अपने इस्तेमाल में जो है ला रहे हैं. जब कभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारे नोमर रोमेरल्स होते हैं, तो हम अपनी वॉच को देखते हैं. बेटा जो आप घड़ी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर जो बेटा यहाँ पर नंबरिंग हो रही है, ये रोमन नंबर्स हैं. तो आज भी हम अपने रोमन नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं. और यदि हम बात करते हैं अपने क्लोथ्स की, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो आप टी शर्ट देख रहे हैं, इस पर ये जो मार्क लगा हुआ है, ये मार्क क्या है, ये एक रोमन नंबर है. और यदि हम नंबरिंग की बात करते हैं, तो क्लोथ्स पर जो नंबर आ रहे हैं वो इसी फॉर्म में लिखे हुए आ रहे हैं. नंबर्स को यदि बेटा विस्तार से जानने की बात होती है, रोमन नंबर को यदि हम विस्तार से जाने, तो उसमें क्या होगा, उसमें 7 बेसिक सिंबल्स, उसमें 7 बेसिक यानी आधारभूत सिंबल्स को, चिन्हों को इस्तेमाल किया गया है, और जिसे आज हम लोग अपने रोमन न्यूमेरल्स के रूप में स्टडी करते हैं. उन्हें समझ लेते हैं वो 7 बेसिक सिंबल्स क्या होते हैं रोमन नंबर्स में. हम एक टेबल स्क्रैच कर लेते हैं. ये बेटा हमारी टेबल रोमन नंबर्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स. ये हम दिखाएंगे आई, आई को 1 बोलेंगे, वी को 5, एक्स को यहाँ पर हम लोग 10 बोलते हैं, और एल को हम अपना 50 बोलेंगे. इसी प्रकार सी को 100 बोलेंगे, और अपने डी को 500 बोलेंगे. एम की बात करें तो इसे जो है 1000 बोला जाता है. इस प्रकार हम देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास बेटा 7 जो नंबर्स हैं, जो बेसिक्स हैं सिंबल के, जिसे हम रोमन नंबर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इन्हें बेसिक रोमन नंबरल सिंबल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. रोमन नंबरल्स का इस्तेमाल करते समय बेटा हमें कुछ नियमों का इस्तेमाल करना होता है, और इनका इस्तेमाल करते समय हमें उन नियमों को लर्न करना होगा, उन्हें अप्लाई करना होगा. देख लेते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जिन्हें रोमन नंबर का प्रयोग करते समय हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि देर आर सम रूल्स टू राइट रोमन नंबर्स. रूल नंबर 1, इफ ए सिंबल रिपीट्स इन आर न्यूमेरल्स, इट मींस एडिशन ऑफ सिंबल्स. फॉर एग्जांपल, डबल आई 1+1 इक्वल टू 2, ट्रिपल एक्स 10+10+10 इक्वल टू 30. जस्ट लाइक ट्रिपल सी 100+100+100 इक्वल टू 300. जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं डबल एम 1000+1000 इक्वल टू 2000. रूल नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं, इफ ए स्मॉलर सिंबल इज रिटेन टू द राइट
टू राइट ए लार्ज सिंबल्स इट मीन्स एडिशन ऑफ स्मॉलर टू लार्जर सिंबल. फॉर एग्जाम्पल वी आई 5+1 इक्वल टू 6. डबल एक्स वी ट्रिपल आई 10+10 +5+1+1+1 इक्वल टू 28. जस्ट लाइक डबल सी एक्स वी आई इक्वल टू 100+100+10+5+1 इक्वल टू 216. डबल एम डबल सी वी डबल आई इक्वल टू 1000+1000+100+100+5+1+1 इक्वल टू 2207. There are some rules to write Roman numerals. Roman numerals को लिखने के लिए बेटा कुछ नियम यहाँ पर हैं जिनके rules को हम समझने जा रहे हैं. For example, हम लोग बात करते हैं rule number 3 के, जिसमें बताया जा रहा है आपके लिए. If a smaller symbol is written to the left of a larger symbol, that it is subtracted from the larger numerals. For example, कि हम लोग बात करें तो I x 10-1 equal to 9. XL 50-10 equal to 40. Just like CD 500-100 equal to 400. CM 1000-100 equal to 900. यहां हम लोग बेटा समझ लेते हैं. If a smaller symbol is written to the left of a larger symbol, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि हमारा कोई larger number लिखा हुआ है, यानी कि बड़ा symbol है, तो यहाँ पर बेटा I है और X है, तो बड़ा symbol कौन सा है? X है ना? तो यदि बड़े symbol से ठीक पहले कोई छोटा symbol हो, smaller हो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? हम बड़े symbol से उस छोटे symbol को minus कर देते हैं. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर X है, X means 10 और छोटा संबल क्या है I, I that means 1, तो हम यहाँ पर 10 से 1 को माइनस कर देंगे, that means इसको 9 स्टडी किया जाएगा, इसे हम जो है 9 कहेंगे. ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, यहाँ X और L है, तो यहाँ पर बड़ा संबल कौन सा हुआ? L, L बड़ा संबल है, X छोटी संख्या का संबल है. अब हम यहाँ क्या करेंगे, बड़े संबल से छोटे संबल को माइनस कर देंगे, तो L क्या है 50 और X क्या है 10, तो 50-10 इक्वल टू 40. इस प्रकार से जब हम अपने सिंबल्स को यूज करते हैं तो इस थ्योरी के आधार पर उन्हें कैलकुलेट किया जाता है. यहाँ पर छोटी संख्या का सिंबल बेटा पहले आ रहा है और हमारा जो बड़ी संख्या का जो सिंबल है वो बाद में आ रहा है. लेकिन यदि हमारा जो है छोटी संख्या का सिंबल दो बड़ी संख्याओं के सिंबल के बीच में आ जाए तो क्या करें, देखते हैं हम अपने रूल 4 को जिसमें ये सब कुछ बताया गया है. रूल 4, When a smaller symbol is placed between two larger symbols, then it is subtracted from the larger symbol immediately following it. For example, हम लोग लेते हैं यहाँ पर x i x equal to 10+10-1 equal to 10+9 equal to 19. इसी प्रकार से l x i v equal to 50+10+5-1 equal to 60+4 equal to 64. अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर दो संबल्स हैं जो बड़े संबल्स हैं वो आपके आए हुए हैं और इसके ठीक बीच में हमारा एक स्मॉलर संबल आया है जो छोटी संख्या का संबल कहलाता है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या हमारा संबल बड़ा है उससे ठीक पहले जो संबल होगा उसे माइनस किया जाएगा. समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिए, दोनों एग्जाम्पल्स में आपको यही सब कुछ बताया गया है. इससे आगे हम लोग जानते हैं. अब चलते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज पर, अपनी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं, उठा लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को. एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. बिना समय गवाए बेटा चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड पर, वहां पर तेजी से अपनी एक्सरसाइज को समझ लेते हैं. इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 1.5, जिसके फर्स्ट पार्ट को बेटा हम यहाँ पर समझ रहे हैं. ध्यान से देखिएगा, 48 / 8 + 5 × 8 - 10, हमें इसको सॉल्व करना है. इसके सिंप्लीफिकेशन के समय बेटा हमें अपने बोर्ड मार्क्स के तरीकों को ध्यान रखना होगा, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. इक्वल टू 6 + 5 × 8 - 10. अब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो नंबर हमारे पास लिखा हुआ था ये नंबर कहाँ चला गया है, ये नंबर इट इज आवर 6. फॉर एग्जाम्पल 48 को सबसे पहले हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड मास की हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग अपने जो है डिवीजन को करते हैं, भाग को पहले सॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पर 8 6 जा 48, उसके बाद
5 × 8 − 10 जैसा ऊपर है बेटा यहाँ, हमने वैसा यहाँ पर इसको लिख दिया है। और यहां से हम आगे चलते हैं, इक्वल टू 6 + 40। अब इसमें 40 की बात करें तो ये क्या है बेटा, 5 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है, तब क्या हो गया ये 40। नेक्स्ट लाइन में हमने यहां पर इसे 40 किया है। इससे आगे हम लोग करते हैं 6 + 40 = 46, 46 − 10 एंड हियर 46 − 10 इक्वल टू 36, इट इज आवर आंसर। बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखें कि बोर्ड मास्क को हमने किस तरीके से इस्तेमाल किया है। यदि हम बोर्ड मास्क की बात करते हैं तो BOD, आप इसको पहले समझ लीजिएगा, बोर्ड मास्क। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट इसमें नहीं है तो हम सीधे कहां पहुंच जाएंगे, अपने डिवाइड के पास। सबसे पहले हमने यहां पर डिवाइड किया है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मल्टीप्लाई का सेक्शन जो हमने यहां पर किया है। उसके बाद हमने क्या करना है, एडिशन ऐड किया है हम लोगों ने, और ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन किया है। तो इस प्रकार से बोर्ड मास्क का यूज करते हुए हम बड़ी आसानी से अपने दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम इसके सेकंड पार्ट को भी करके देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा अपने सेकंड पार्ट की, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ही है। यहाँ पर 16 × 2 / 4 / 7 = 14 + 8 / 6 + 7। तो हमें बोर्ड मास को यदि हम इसको यहाँ यूज करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सब कुछ आपकी समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ 2 को डिवाइड करना है 4/7 से। ये 4/7 क्या है और ये 14 क्या है, जब यहाँ पर जो है नंबर्स लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल डाटा लिखा हुआ है पूरा, तो ये यहाँ पर लैंग्वेज में ऑफ क्यों आ गया है, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम मैथ की बात करें तो बेटा ऑफ को यहाँ पर मल्टीप्लाई ही माना जाता है, और ये जो हमारा लिखा हुआ है 4/7 of 14, ये एक ही यूनिट माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7 से 14 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 7 बन जा 7 और 7 × 2 = 14। तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगी, 4 × 2 = 8। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो बेटा 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इस 2 के बाद जो कुछ लिखा था 4 / 7 of 14। अब यहाँ पर ये जो हम देख पा रहे हैं ब्लू कलर, तो ब्लू कलर जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आ गया है, इस सर्कल को हमने इस फॉर्म में, आप बेटा ध्यान से समझ लीजिए बेटा, तो इस वाली इक्वेशन में जो हम सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं, इसमें केवल यही पॉइंट एक ऐसा था जो आपको परेशान कर सकता था, 4/7 of 14, इसे हमने यहाँ पर जो है 8 के रूप में कंफर्म कर दिया है। इसके आगे हम चलते हैं प्लस, ये जो प्लस लगा हुआ है ऑलरेडी, ये प्लस यहाँ पर आगे देखिए ध्यान से, ये प्लस ये रहा और ये जो 8 है ये 8 ये रहा, उसके बाद 6 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। इसके बाद की जो कैलकुलेशन है बेटा, हमारे पास 2 कैलकुलेशन आती है, इसे मैं आपको जो है मार्क करके दिखाता हूँ। अभी हम बात करते हैं तो हमारे पास इस समय बेटा करने के लिए कैलकुलेशन क्या होगी, 2 / 8 और आगे कौन सा कैलकुलेशन होगा, 8/7। तो अब हम इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, और इन दोनों कैलकुलेशंस को हम लोगों ने यहाँ पर जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में ये लिख लिया है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ये हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। वीडियो आप अपने वीडियो क्लास में लगे रहिएगा, क्योंकि जब भी कभी आप अपनी कोचिंग क्लासेस में भी पहुंचते हैं तो वहां पर डेफिनेटली 1 घंटे से 1.5 या 2 घंटे तक की आपकी क्लास चलती है, तो आप यहां पर हाफ एन आवर भी मेरे साथ रहते हो, आधे घंटे भी रहते हो, तो हम पूरी एक्सरसाइज को आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बात करते हैं बेटा, तो हमने सबसे पहले जो है क्या सोल्व कर लिया, अपने डिवाइड के पार्ट को सोल्व कर लिया है, डिवाइडेशन की प्रॉब्लम को हमने फिनिश कर लिया है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम चलते हैं अपने मल्टीप्लाई पर, क्योंकि हम डिवाइड करने के बाद अपनी मल्टीप्लाई को करते हैं। तो मल्टीप्लाई को करने के लिए क्या होगा, यहाँ ये जो हमारे पास नंबर्स हैं आप देख पा रहे हैं, 16 × 2 / 8, तो यहां पर क्या करेंगे, 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहां इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं तो 2 × 2 = 4, हमें यहां पर 4 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार बेटा हमने यहां पर 2 × 2 = 4 ये यहां पर ले लिया है। इसके बाद करते हैं कि 1.3 ये कहां से आया, तो यहां पर क्या है बेटा, 8/6, यानी कि 8 में 6 से डिवाइड करना है, तो 8 को हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1.3। यदि हम 8 में 6 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 1.3, और आगे प्लस 7। इससे आगे क्या करना होगा, आप समझ चुके हैं, इन सबको ऐड करना होगा और वही हमारा आंसर होगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 4
प्लस 7 11 हुआ बेटा और 11 एंड 1 12.3 इट इज आवर आंसर। तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से अपने पूरे क्वेश्चन को समझ लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने स्टडी किया अपने जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड को। हालांकि हमने अपने इस चैप्टर के बेसिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में आज आपको ज्यादा बताया है, बेसिकल नॉलेज आपको ज्यादा दी है बेटा, इस वजह से आपके बाकी क्वेश्चन चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। रीजन है आपकी वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। इसके सेकेंड पार्ट में यानी कि जो भी हम चैप्टर लिए हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर सेकेंड के साथ थर्ड को भी हम लोग अपना स्टडी करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट में स्टडी करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी इस वीडियो से कुछ एक नॉलेज को एकत्र कर पाए होगी बेटा, उसे अप्लाई कीजिएगा और उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने रफ नोटबुक के साथ उसके अभ्यास को करेंगे आप, तो डेफिनेटली आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव होगा। वीडियो क्लास में यदि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप नहीं समझ पाते हैं, आप कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम को ऑनलाइन ही सॉल्व करूंगा बेटा, जिसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन स्टडी आपके घर पर पहुंचेगी, जिसके लिए आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। इट इज ए फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर यू। गॉड ब्लेस यू।